हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित और आप देख रहे हैं अकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज का यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो हमारी फ्री लेक्चर सीरीज चल रही है और फ्री लेक्चर सीरीज में आज जो लेक्चर होने वाला है वो टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं। साथ साथ में अब हम शुरू करने जा रहे हैं फ्री लेक्चर सीरीज के साथ साथ एक सोल्ड पेपर सीरीज। सोल्ड पेपर सीरीज का मतलब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, जैसे निमांस हो चुका है, जो एम्स हो चुके हैं, जो जिकमेर हो चुके हैं, उनके भी हम आपको पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे कि सर वो पेपर तो हमारे पास अवेलेबल हैं गाइड में। हाँ, आपके पास पेपर है, आपके पास क्वेश्चन है और आपके पास आंसर है, लेकिन आपके पास वो आंसर का रैशनल नहीं है, यानी कि वो आंसर क्यों है और बाकी तीन क्यों नहीं है वो चीज़ें आपको नहीं पता है, तो अकॉन की टीम सोल्ड पेपर कराएगी। 10-15-20 क्वेश्चन डेली के हम कुछ ना कुछ आपको देते रहेंगे, वीडियो अपलोड होते रहेंगे। चैनल में अगर आप सब्सक्राइब हैं, घंटी बटन आपने दबाया हुआ है तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और टॉपिक है ये क्या है, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन और क्रोमेटिड। ये सारे शब्द आपने सुने होंगे, लेकिन अगर मैं इन सभी का मतलब आपसे पूछूं तो कुछ के आंसर तो सही होंगे लेकिन कुछ के आंसर गलत हो जाएंगे। सारे शब्द ऐसे लगते हैं जैसे कि एक जैसे हैं, ठीक है, सिमिलर वर्ड लगते हैं लेकिन सबका मतलब अलग अलग है, बहुत ही डिफरेंट मतलब है। तो आज के लेक्चर में कम से कम ये सारे शब्द किसी क्वेश्चन में दिखें या ऑप्शन में दिखें तो आप घबराएंगे नहीं, आपको इन सभी का आंसर पता होगा, इन सभी शब्दों का मतलब पता होगा। तो एक एक करके हम इन सारे शब्दों का मतलब समझते हैं। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि किसमें क्या डिफरेंस है और आगे आपको कौन कौन से लेक्चर पढ़ने हैं उनका तरीका, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो के साथ क्योंकि वीडियो बीच में स्किप करने से हमारा नुकसान नहीं होगा, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द साइटोसोल। साइटोसोल को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक सेल का डायग्राम है, ठीक है, और ये सेल के बीच में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर भरा होता है पानी, साइटोसोल जिसको बोला जाता है, ठीक है, और इसी के अंदर होते हैं कई तरीके के सेल ऑर्गेनेल। कुछ बना देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, इस तरीके से कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब हमारा वर्ड क्या है, हमारा वर्ड है साइटोसोल। दूसरा वर्ड क्या है, साइटोप्लाज्म। दोनों को एक साथ समझते हैं। साइटोसोल क्या होता है, ये बाहर वाली लेयर कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है इसको, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सब कुछ है, क्या बोला मैंने, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सब कुछ है वो सब कुछ क्या है, साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सब कुछ है, सब कुछ क्या है, वो साइटोप्लाज्म है। अब सब कुछ में क्या है, सब कुछ में एक तो है लिक्विड पार्ट, हाँ सर लिक्विड पार्ट है, और दूसरे हैं क्या, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल। एक तो लिक्विड पार्ट है और दूसरा क्या है, सेल ऑर्गेनेल। तो लिक्विड पार्ट और सेल ऑर्गेनेल मिलकर तो क्या कहलाएंगे, साइटोप्लाज्म, और जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पार्ट है इसको बोलेंगे क्या, साइटोसोल। ये क्या कहलाएगा, साइटोसोल। आई थिंक दोनों टर्म आपको क्लियर होगी। साइटोसोल क्या है, जो सेल के अंदर लिक्विड पार्ट है वो क्या है, साइटोसोल। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर जो सब कुछ है, सब कुछ क्या है, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल, इनको एक साथ क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म। किसी किसी गाइड के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो उसमें ये मिलेगा कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच पाए जाने वाले सब्सटेंस को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच पाए जाने वाले सब्सटेंस को क्या कहते हैं, तो वो भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मिंग करने वाले ने न्यूक्लियस को सेल ऑर्गेनेल नहीं माना, ठीक है,
मैं क्या बोल रहा हूँ, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल इज साइटोप्लाज्म। उसने न्यूक्लियस को सेल ऑर्गेनेल नहीं माना, तो उसने क्वेश्चन की फॉर्मिंग कैसे कर दी, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच पाए जाने वाले सब्सटेंस को क्या कहते हैं, तो क्या कह देंगे उसको, साइटोप्लाज्म। बात तो एक ही है, ठीक है। तो साइटोसोल क्लियर है, साइटोप्लाज्म क्लियर है। अब आता है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, ठीक है। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास एक सेल ऑर्गेनेल होता है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी होती है। एक सेल ऑर्गेनेल होगा, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनी होगी, इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रोसोम। क्या बोला जाता है इसको, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बना रहा हूं मैं, ये क्या है, सेंट्रोसोम। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोसोम। न्यूक्लियस के पास होता है जनरली सेल के अंदर, ये सेंट्रोसोम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम बना है देखो इससे और इससे, ये दो स्ट्रक्चर है, जो दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर जो स्ट्रक्चर बना रही है उसको बोल रहे हैं क्या, सेंट्रोसोम। और ये दोनों क्या कहलाते हैं, सेंट्रियोल। क्या बोला जाता है इनको, सेंट्रियोल। तो दोनों टर्म क्लियर है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। एक सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है, तो एक सेंट्रोसोम जो सेल ऑर्गेनेल है ये बना होता है दो सेंट्रियोल से, ठीक है। तो सेंट्रोसोम भी क्लियर हो गया होगा और सेंट्रियोल भी क्लियर हो गया होगा। अब आती है तीनों खतरनाक टर्म, क्या है, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, ठीक है। क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, एक और लिख देता हूं, थोड़ा और टफ कर देते हैं इसको, सेंट्रोमियर। हम लोग डरते नहीं है टफ से, हम अकोनियंस हैं, अकोनियंस हैं हम, और हमारा कंपटीशन सिर्फ अकोन स्टूडेंट्स हैं, बाहर वाले तो हमारे आसपास भी नहीं है, ठीक है। क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर, ठीक है। इन शब्दों का मतलब समझते हैं अब, क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमेटिन क्या है। ये देखिए न्यूक्लियस, वहां पे डायग्राम में आइए, न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। न्यूक्लियस में क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये बना रहा हूं मैं, देखो इधर थ्रेड, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस में। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है क्रोमेटिन, ध्यान से देखना एक एक शब्द को, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है क्या, क्रोमेटिन, जो न्यूक्लियस में होती है। ये क्रोमेटिन बना होता है डीएनए का, ये थ्रेड किसका बना होता है, डीएनए का। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो तो क्या है, क्रोमेटिन, ठीक। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, अब सेल क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, सेल को सेल डिवीजन में जाना है। जब सेल सेल डिवीजन में जाती है तो ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है ना, ये थिक हो जाता है। क्रोमेटिन थ्रेड क्या होता है, थिक, हिस्टोन प्रोटीन की मदद से थिक हो जाता है, वो एक लंबी कहानी है। अभी सिर्फ टर्म्स पे ध्यान देते हैं कि ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, ये हो गया थिक। ये क्रोमेटिन जो थ्रेड है ये हो जाता है थिक। ये थिक क्रोमेटिन जो है ये होता है क्रोमोसोम्स। ये थिक क्रोमेटिन क्या कहलाता है, क्रोमोसोम्स। ये क्या था, क्रोमेटिन थिन था, ये था क्रोमेटिन, और फिर थिक हो गया, क्या बोल दिया, क्रोमोसोम। ये भी डीएनए का ही बना होगा, ये भी डीएनए का है, तो ये भी डीएनए का ही बना होता है, ठीक है। क्रोमोसोम समझ में आ गया हमें, हमें क्रोमेटिन समझ में आ गया। अब आते हैं क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर, ठीक है। क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर क्या होते हैं, कि ये जो क्रोमोसोम्स है सेल डिवीजन के दौरान ये ऐसा बन जाता है, सेल डिवीजन के दौरान ये अपने ही जैसा, जैसे ये था इसने अपने ही जैसा एक और बना लिया, लेकिन वो अलग नहीं, इसी से ऐसे चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स, ये इसके जैसा एक और बन गया क्रोमोसोम्स, ठीक है, रेप्लिकेशन के टाइम पे ये होता है, ठीक। तो ये एक स्ट्रैंड इसकी और ये दूसरी स्ट्रैंड इसकी, ठीक है, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ठीक है। इन भुजाओं को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड,
इन भुजाओं को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। आगे मैं आपको बताऊंगा सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड पहले समझ में आए कि क्रोमोसोम की भुजाओं को क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड। क्रोमोसोम्स की भुजाएं क्या कहलाती है? क्रोमेटिड। लिंब ऑफ द क्रोमोसोम्स क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड क्लियर हो गया। अब आते हैं सेंट्रोमियर क्या है। सेंट्रोमियर क्या है? क्रोमोसोम्स का जो जंक्शंस होता है, क्रोमोसोम्स का जंक्शन, जैसे इसका जंक्शन ये है, इसका जंक्शन ये है, क्रोमोसोम्स का जो जंक्शन होगा उस जंक्शन को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम्स का जो जंक्शन होगा उस जंक्शन को क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्यों इंपॉर्टेंस रखता है? क्रोमोसोम के नंबर न्यूक्लियस में हमेशा उतने ही माने जाएंगे जितने क्या होंगे? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के नंबर इज इक्वल टू क्रोमोसोम्स के नंबर। हम जानते हैं हमारे न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इसका मतलब सेंट्रोमियर भी कितने होंगे? 46। ये कितने क्रोमोसोम्स हैं मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर एक सेंट्रोमियर, तो एक क्रोमोसोम, ठीक है। ये कितने हैं तो आप बोलोगे सर ये भी एक सेंट्रोमियर तो एक क्रोमोसोम। फर्क क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम कब बने? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। लंबी कहानी है, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे ये बनते हैं। लेकिन ये भी एक काउंट होगा क्रोमोसोम और ये भी एक काउंट होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर कितने हैं? एक सेंट्रोमियर क्या है? जंक्शन जो है उस जंक्शन को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। आई थिंक ये सारे के सारे वर्ड आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है ये हमारे सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन इस लेक्चर के बाद हमारे किसी स्टूडेंट को या हमारे किसी व्यूअर को इन सभी टॉपिक्स या इन सभी टर्म्स के अंदर किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। अब मैं आता हूँ मुद्दे वाली बात पे, जिसके लिए मैंने आपको रोक रखा है कि आगे जो लेक्चर्स आपको पढ़ने हैं वो कमेंट में आपको लिखने हैं। लेकिन कैसे लिखने हैं? आप अपना नाम लिखें, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम लिखें, और अपना टॉपिक लिखें। टॉपिक मतलब सब्जेक्ट नहीं लिख दें कि सर पीडियाट्रिक का लेक्चर लीजिए, ओबीजी का लेक्चर लीजिए। तो ओबीजी में बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ आपको आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे। ऐसे हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक आपको आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे और कुछ बिल्कुल नहीं आते होंगे। तो जो आपको टफेस्ट लगता हो और इजी लैंग्वेज में इसी तरीके से अगर आपको समझना हो तो आप अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपना उस टॉपिक को लिख के भेजिए। हमारी टीम कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी जितने भी टॉपिक आपके हैं उनको हम कंप्लीट कराएं, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। आपने जो इस टॉपिक को देखा और अब तक सुना, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और स्टे ट्यून्ड विद द अकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज, और अपने जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप इस चैनल से जोड़िए, शायद उनका कुछ भला हो और वो आपको दुआएं दें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।